देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारे पाव बहुत ही अच्छे बने हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बनने वाली है पाव भाजी। और पाव भाजी तो वैसे मैंने आगे बहुत बार आपके साथ शेयर की हुई है, ब्लैक पाव भाजी, पनीर पाव भाजी, पाव भाजी कुकर में, तो बहुत सारी पाव भाजी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। लेकिन आज पाव भाजी की एक अलग ही बात है, क्योंकि आज हमने पाव भी घर पर बनाए हैं। तो आज मैंने 4 बजे उठकर पाव बनाए हैं। और पाव बनाने में एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि ईस्ट अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। अगर ईस्ट अच्छी होगी तो पाव परफेक्ट बनेंगे। और जब भी हम पाव बनाए हैं तब ईस्ट का मेजरमेंट भी अलग रहता है। ईस्ट कितनी पावरफुल है उसी के हिसाब से कम ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स को लगेगा कि आपने पहले तो इतना ईस्ट लिया था, आज इतना क्यों। लेकिन ईस्ट की क्वालिटी पर डिपेंड रहता है। और मैं जो भी एप्रन, नैपकिन, रोटी बास्केट, रोटी मेट का यूज़ कर रही हूँ वो फ्लोरिना ब्रांड का है। और व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, इसे हम डायरेक्ट मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल भी कलर नहीं निकलेगा। अब पाव बनाने के लिए मैंने इस तरह की ईस्ट ली है, और ये मैंने अंधेरी अल्फा से ली थी। तो यहाँ पर हम 2 टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट लेंगे। एक पाउच में 2 टीस्पून ईस्ट ही आती है, तो ये पूरा पाउच हम डाल देंगे। उसी के साथ हम चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून चीनी ऐड की है। अब उसी के साथ हम लूक वार्म वाटर ऐड करेंगे। तो 1 कप गुनगुना पानी लिया है तो वो भी ऐड करेंगे। तो चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर ईस्ट को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ड्राई इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट ली है, तो इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी के साथ हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी। अब इसे भी हम एक बार मिला लेंगे। अब उसी के साथ हम मैदा ऐड करेंगे, और मैदा को हम छान कर ही यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ पर 1/4 किलो मैदा लिया है। तो इसमें से हम थोड़ा सा मैदा निकाल लेंगे, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ फिर से मैंने गुनगुना पानी लिया है, तो ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे और नरम डो लगा करके तैयार करेंगे। तो पानी ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईस्ट अच्छे से एक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 2 कप पानी का यूज़ किया है। अब 2 टेबलस्पून जितना पानी और लिया है तो इसे भी हम ऐड करेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 2 कप और 2 टेबलस्पून गुनगुने पानी का यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छे से मस लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि डो को खींचने पर वो टूट जाता है। अब खींचने पर वो टूटे नहीं तब तक हमें इसे मसलना होगा। तो इसी तरह से हम 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से मस लेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि डो खींचने पर टूट नहीं रहा। तो पाव बनाने के लिए यहाँ पर हमारा डो रेडी है, और ये कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी है। अब हाथ में हम थोड़ा सा तेल स्प्रेड करेंगे और इस तरह से इसका गोला बना लेंगे। पीछे की साइड से इसे सील कर देंगे। अब इसे कढ़ाई में रख देंगे और थोड़ा सा तेल स्प्रेड करेंगे, और साइड पर भी मैंने थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर दिया है, ताकि डो जब फूले तब वो कढ़ाई के साथ चिपके ना। थोड़ा सा पानी स्प्रेड करेंगे और इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो डो को हम ओवन में रख देंगे, लेकिन ओवन को अभी चालू नहीं करना है। तो 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, तो हमारा जो डो है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बड़ी वाली बेकिंग ट्रे ली है, और बेकिंग ट्रे को भी तेल लगाकर चिकना कर लेंगे, और साइड में भी अच्छे से तेल स्प्रेड करेंगे, और सूखा मैदा छिड़केंगे, और एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम टिन को रेडी करेंगे। अब किचन प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से साफ कर लेंगे, और 1 घंटे के बाद हम डो को भी देख लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा डो फूल करके डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और पंच करके हवा निकाल देंगे। और इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पाव बनाने के लिए डो रेडी है। किचन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और यहाँ पर हम डो रख देंगे। अब इसे हम समान भाग में डिवाइड करेंगे। अब मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से हम गोले बना लेंगे। तो इस तरह से स्मूथ गोले बनने चाहिए। इसे हम बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी गोले बना लिए हैं। अब फिर से हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और इसे मैं फिर से ओवन में रख दूंगी। और ध्यान रहे हमें ओवन को चालू नहीं करना है। तो 1 घंटे के लिए हम रख देंगे और इसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो हमने जो गोले बनाए थे इसे मैंने फर्मेंटेशन के लिए रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोले अच्छे से फूल गए हैं, लेकिन अभी आधा घंटा ही हुआ है तो अभी थोड़ी देर और इसे रखेंगे। और फर्मेंटेशन का टाइम भी अलग अलग होता है। अगर गर्मी की सीजन हो तो थोड़ा कम टाइम लगेगा और ठंडी की सीजन हो तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हमने जो ईस्ट यूज़ की है वो भी कितनी पावरफुल है उसी के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। तो 1 घंटे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे गोले अच्छे से फूल गए हैं और ये बिल्कुल लादी पाँव के शेप में आ गए हैं। तो इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करेंगे। तो 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करेंगे और बेकिंग मोड पर रखेंगे। और मेरे इस ओवन में फंक्शंस बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे कुछ बेक करना हो तो मैं बेकिंग मोड पर रख देती हूँ, ग्रिल करना हो तो ग्रिल मोड पर रखती हूँ। तो इसमें मुझे और कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके ओवन में नीचे का रोड ऊपर का रोड ये दोनों अलग सेटिंग है तो आप इस तरह से भी बेक कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ बेकिंग मोड पर ही रखा है तो इसमें पाव पिज्जा ब्रेड सब अच्छे से बेक हो जाता है, मुझे और कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब इसे हम मिल्क वॉश करेंगे। तो मिल्क वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया है और ब्रश की सहायता से हल्के हाथ से इस पर स्प्रेड करेंगे। तो बिल्कुल वजन नहीं देना है, नहीं तो इसमें जो एयर फिल हुआ है वो सब निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पाँव बेक होने के लिए रेडी है। तो ओवन भी प्रीहीट हो गया है तो इसमें हम ट्रे रख देंगे। तो इसे हम 15 से 18 मिनट तक बेक करेंगे। और जब भी मैं बेकिंग रेसिपी शेयर करती हूँ तब बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हमें OTG लेना चाहिए या कन्वेक्शन। तो अगर हमें बेकिंग की आइटम जैसे पाव पिज्ज़ा ब्रेड कुकीज़ केक वगैरह सब बनाना हो तो OTG अच्छा रहता है। और इसके लिए मैं OTG ही प्रीफर करती हूँ। और मेरे पास जो OTG है वो बजाज का है, 34 लीटर का है और इसमें सभी चीज़ें अच्छी बनती है। और दूसरा मेरा ओवन है वो गीक एरोकुक है, इसमें भी सभी चीज़ें अच्छी बनती है लेकिन वो छोटा सा है। तो अगर ज़्यादा बनाना हो तो बजाज में बनाती हूँ और कम क्वांटिटी में बनाना हो तो गीक में बनाती हूँ। तो दोनों ओवन मेरा बहुत ही अच्छा है। तो पाव भाजी के लिए मैंने आलू और मटर को बॉईल कर लिया था तो इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और आज टिफ़िन के लिए पाव भाजी बना रही हूँ तो टमाटर और कैप्सिकम को मैं मिक्सी जार में दरदरा पीस लूँगी ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे मिक्सर के बारे में भी पूछा था कि आप कौन सा मिक्सर यूज़ कर रहे हो। तो मेरा पैनासोनिक का मिक्सर है। तो पाव बेक हो रहे हैं तब तक हम पाव भाजी बना करके तैयार करेंगे। और टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने दरदरा पीस लिया है और उसी के साथ जीरा भी ऐड किया है। तो बटर गर्म हो जाए तो प्यूरी भी ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे भाजी का कलर अच्छा आएगा और स्पाइसी नहीं बनेगी। और ग्रेवी के जितना नमक ऐड करेंगे।
अब ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे और आलू की जगह पर आप कच्चे केले का यूज भी कर सकते हो। और जैन पाव भाजी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। और पाव भाजी मसाला मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम पाव भाजी मसाला भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब ग्रेवी में से बटर छूटने लगे तब तक हम इसे पका लेंगे। अब 5 से 7 मिनट के बाद हम ट्रे को पलट देंगे। हमारे पाव सभी तरफ से अच्छे से बेक हो सके। तो यहाँ पर ग्रेवी में से बटर छूटने लगा है तो उसी के साथ हम उबले हुए आलू और मटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब पाव भाजी में अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो 15 मिनट के बाद हम पाव को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पाँव अच्छे से बेक हो गए हैं, तो इसे हम ओवन से निकाल लेंगे। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारे पाँव बहुत ही अच्छे बने हैं। अब गर्म गर्म पाँव पर ही हम बटर स्प्रेड करेंगे और बटर लगाने के बाद इसमें रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे जो बिल्कुल नेचुरल है। अब इसे साफ कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारी पाव भाजी भी रेडी है। 10 मिनट के बाद हम पाँव को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पाँव बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। सच में दोस्तों इस तरह से बनाए गए पाँव बेकरी से भी अच्छे बनेंगे। पाँव को हम कट करके भी देख लेंगे। तो टिफिन के लिए मैंने यहाँ पर पाँव को सीख लिया है और बाकी के जो पाँव बचे हैं इसे पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है। तो इसे में हम सभी पाँव रख देंगे क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मुझे भी आइडिया आएगा।